देखिए कितना गुस्से में कोबरा सांप। सांप अपने बचाव के लिए ऐसे पेड़ पर चढ़ जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मेरा नाम आकाश जाधव और आप देख रहे हैं सर्प मित्र आकाश जाधव यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। आज हमें इमामपुर गांव से एक रेस्क्यू कॉल आया है, महीनाथ आवरे। इन्होंने कॉल किया था, उनके घर के पास कहीं सांप है, तो चलिए बिना देरी के देखते कौन सा सांप है, उसको पकड़कर सुरक्षित जगह पर रिलीज करेंगे। तो वीडियो में बने रहिए। चलो मुंग संग फाइट डालते का मुंग होते ना। तो दोस्तों आप देख सकते हैं एक स्पेक्टिकल कोबरा यहाँ पर पेड़ पर, और दो नेवले इसको खाने के लिए आए हुए थे। इसका आप देख सकते हैं मुंह घाव है, उसके मुंह पर नेवले ने इसको काटा है, जिसके कारण खून निकला है देखिए। और काफ़ी देर से यहाँ पर ये बैठा हुआ था। यहाँ पर अगल बगल में आप देख सकते हैं घर हैं, ये देखिए यहाँ पर घर है और बच्चे भी यहाँ पर खेलते हैं। सांप का डर था जिसके लिए यहाँ पर जो गाँव वाले इन्होंने हमें कॉल किया था। तो दो नेवले भी थे यहाँ पर, बहुत देर से यहाँ पर इस सांप को खाने के लिए प्रयास कर रहे थे, और सांप अपने बचाव में इस पेड़ पर चढ़ा हुआ है। अक्सर क्या होता है, सांप अपने बचाव के लिए ऐसे पेड़ पर चढ़ जाते हैं। काफ़ी डरा हुआ, जितना सांप डरेगा इतना ज़्यादा वो तेज़ी से फूंका रहेगा। ये देखिए उसके मुंह पर आप देख सकते हैं बड़ा घाव है। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि काफ़ी बार नेवला और सांप फाइट करता है, असल में क्या होता है, तो नेवला का जो खाना होता है सांप है। नेवला जो है मांसाहारी होता है और सांप को खाता है, और सांप उसको बड़ी आसानी से खाने नहीं देता, इसलिए दोनों में फाइट होती है। लेकिन ज़्यादातर इसमें सांप की हार होती है, नेवला बराबर उसको पकड़ कर खा जाता है। काफ़ी गुस्से में देखिए, देखिए कितना गुस्से में कोबरा सांप। अपनी जान बचाने के लिए सांप पेड़ पर चढ़ा हुआ था। दो नेवले हो तो फिर सांप बचना मुश्किल है, यहाँ पर तो दो दो नेवले थे, भीड़ जब जमा हुई तो नेवले भाग गए। तो देखिए कितना गुस्से ले कोबरा सांप, जैसे हम इसके नज़दीक जाएंगे तो ये बाइट करेगा, बहुत ज़्यादा चिढ़ा हुआ है। देखिए किस तरह पेड़ पर चढ़ रहा है। कितना गुस्से ले कोबरा, देखिए नेवले के साथ फाइट होने के कारण बहुत ज़्यादा चिढ़ा हुआ है, बहुत ही ज़्यादा, और इस स्थिति में बहुत ज़्यादा जोर से बाइट करेगा, ज़्यादा जहर छोड़ेगा।
तो चलिए दोस्तों, इसको मैं बैग में डालता हूँ, अभी एक और सुरक्षित जगह पर सांप को रिलीज करेंगे। तो दोस्तों, आपने देखा एक सांप रेस्क्यू किया था, इसके पीछे जो नेवले लगे थे और जिसके चिंगुल से बचकर ये पेड़ पर जा चुका था। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं इस सांप को मैंने यहाँ पर रिलीज़ किया है, ये सांप यहाँ पर सुरक्षित है। वीडियो अगर पसंद आता है, इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन ज़रूर दबाएँ।